दूर उफ्तादा पहाड़ों के दामन में वाकिया एक खूबसूरत और छोटा सा शहर आबाद था, जिसे शादपुर कहते थे। शादपुर एक सरसब्ज़ो शादाब शहर था, जो अपने कुदरती नज़ारों, आब हवा और लोगों की खुशहाली की वजह से जाना जाता था। शादपुर के मेहनती लोग अमन और आश्ती के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। शादपुर में एक बाज़ार था, जो कारोबारी और तजारती मरकज़ था। लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया इसी बाज़ार में मैसर थीं। इसी बाज़ार में दो दोस्त शान और जैद भी कारोबार करते थे। वो शादपुर ही के रहने वाले थे और एक दूसरे को बचपन से जानते थे और उनकी दोस्ती थी। वो दोनों काम के बाद अक्सर बाज़ार में वाकया चाय खाने पर मिलते थे, जहाँ वो चाय पीते और गपशप करके रिलैक्स होते और एक दूसरे के कारोबारी मामलात भी डिस्कस कर लिया करते थे। एक दिन चाय की चुस्कियों के दरमियान शान ने जैद को बताया कि वो सैर व तफरी के लिए कुछ अरसा मुल्क से बाहर जाना चाहता है, मगर उसके पास कुछ सोना है जिसकी हिफाजत के लिए वो फिक्रमंद है कि उसकी गैर मौजूदगी में कहीं वो चोरी ना हो जाए। उसने जैद से पूछा, क्या ये मुमकिन है कि वो सफ़र के दौरान अपना सोना उसके पास अमानत के तौर पर रख दे? क्या वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? जैद ने जवाब दिया, दोस्त, अगर तुम्हें मुझ पर इत्माद है तो मैं ज़रूर इस अमानत की हिफाजत करूंगा, ताकि तुम बेफिक्री से बैरून मुल्क सैर व तफरी कर सको। शान मुतमईन हो गया और दूसरे दिन उसने अपना सोना अपने दोस्त जैद के हवाले कर दिया और ख़ुद बैरून मुल्क रवाना हो गया। शान बेफिक्री से पेरिस, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के खूबसूरत शहरों में तारीखी मुकामात पर सैर व तफरी करता रहा। वो काम की थकावट उतारना चाहता था और बड़े शहरों में कारोबार के तौर तरीके और मौके भी देखना चाहता था। सफ़र के दौरान उसने अपने वक्त को भरपूर इस्तेमाल किया। देखते ही देखते दो हफ्ते गुजर गए, जिसके बाद वतन वापसी का वक्त आ गया। वापस आया तो शान अपने दोस्त जैद के पास अपनी अमानत की वापसी के लिए गया, लेकिन बदकिस्मती से उसके दोस्त की नीयत ख़राब हो चुकी थी। लालच और रातों रात अमीर बनने का ख्वाब उसकी दोस्ती, वफादारी और ईमानदारी को खा गया था। वो शान के सोने पर कब्ज़ा करने की ठान चुका था। चुनाचे उसने अपने बचपन के दोस्त शान से नहायत गमगीन चेहरा बनाकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि उसका सारा सोना तो चूहे खा गए हैं। ये झूठी खबर शान पर बिजली बन कर गिरी। उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। एक गिलास पानी पीने के बाद उसने तअज्जुब से पूछा, चूहे सोना कैसे खा सकते हैं? जैद बोला, आजकल चूहे भूख के मारे हुए हैं और हर चीज़ को हड़प करने लगे हैं। उसने मजीद कहा कि वो बेहद शर्मिंदा है और अपनी कोताही के लिए हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। शान बात की तह तक पहुंच गया, मगर उसने अपने जज्बात बेकाबू नहीं होने दिए। उसको सोचने का वक्त चाहिए था, इसलिए वो ठंडे लहजे में बोला, जैद मेरे दोस्त, इसमें तुम्हारा कसूर तो नहीं है, अल्लाह की यही मर्ज़ी होगी। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है। हमारी दोस्ती सोने से ज़्यादा कीमती है। जो होना था हो गया। और कुछ देर बाद वो अपने घर वापस लौट आया। चंद दिन और गुजरे तो जैद अपने 5 साल बेटे जाहिद के हमराह शान के घर आया और घबराया हुआ बोला कि मरियम, जो कि उसकी बीवी थी, बहुत बीमार हो गई है और उसको फौरन अस्पताल ले जाना है। अस्पताल दूसरे शहर में था, इसलिए वो अपने बेटे को चंद दिन के लिए शान के पास छोड़कर जा रहा है। शान ने कहा, दोस्त फिक्र न करो और जाओ, जाहिद मेरे बेटे की तरह है, मैं उसका ख्याल रखूँगा। जैद बेफिक्र होकर अपनी बीवी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। एक हफ्ते के इलाज मुआलजे के बाद अस्पताल ने मरियम को सेहतमंद होने पर डिस्चार्ज कर दिया। जैद जब शादपुर वापस लौटा तो बीवी को घर छोड़कर शान के घर गया, ताकि अपने बेटे जाहिद को वापस घर ले आए। दोनों माँ बाप उसको बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन जब वो शान से मिला तो शान ने उसे ऐसी खबर सुनाई जो उस पर बिजली बनकर गिरी। शान ने बहुत दुखी अंदाज में अपने दोस्त जैद को बताया कि उसके बेटे जाहिद को एक परिंदा उठाकर ले गया है और वो बहुत शर्मिंदा था कि वो उसे बचा ना सका। लगता है कि आजकल परिंदे भूख में बच्चों का शिकार करने लगे हैं, जैसे चूहे भूख से सोना खाने लगे हैं। ये सुनते ही जैद के 14 तब रोशन हो गए कि शान अपने साथ धोखे का बदला चुका रहा था।
मगर जैद कुछ नहीं बोला और अपने घर को लौट गया। उसने शान का सोना उठाया और वापस शान के घर गया। जैद ने सोना शान के सुपुर्द किया और बेहद शर्मिंदगी का इजहार किया। उसने शान से माफ़ी मांगी और तस्लीम किया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई कि उसने लालच में दोस्त की दोस्ती को धोखा दिया। शान एक नेक दिल इंसान था। उसने कहा, दोस्त इंसान से गलती हो जाती है, अगर गलती को तस्लीम कर लिया जाए तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। ठहरो, मैं तुम्हारे बेटे जाहिद को लाता हूँ। वो अंदर गया और जाहिद को लेकर वापस आया और उसे जैद के हवाले कर दिया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से लिपट गए। इस मौके पर दोनों दोस्तों की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से हम सब ने ज़रूर सबक सीखा होगा।